Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture topic is the difference between educated and uneducated person. The main difference between educated and uneducated person is their thought process. कि उन दोनों की सोचने की जो सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, वो डिफरेंस होगी. द सेकंड वन इज़ मेंटेलिटी डिफरेंस. तो अब दोनों का जो मेंटेलिटी प्रोसेस है या सोचने की जो भी सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, मेंटल हेल्थ है, वो दोनों की डिफरेंस होगी. अब एजुकेटेड पर्सन है तो वो छोटी छोटी बात पे तकरीबन गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और उसका सलूशन निकालेगा एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन. द थर्ड वन इज़ बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर क्या होता है, रवैया क्या होता है लोगों के साथ. अब एक एजुकेटेड पर्सन है तो उसको ये जेब भी नहीं देता कि वो लोगों के साथ गलत रवैये से पेश आए या कोई इस तरह का मिसबिहेव करे जिससे बैड इम्पैक्ट जाए माशरे में भी और लोगों के ऊपर भी. तो ये है कि उनका बिहेवियर जो है उसमें भी डिफरेंस होगा. उसके बाद है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, एन एजुकेटेड पर्सन थिंक्स लॉजिकली अबाउट एवरी सिचुएशन इन लाइफ. जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन होगी वो उसको लॉजिकली तौर पर ही अंडरस्टैंड करेगा और उसको समझेगा, उसका सलूशन निकालने की भी कोशिश करेगा. एन अनएजुकेटेड पर्सन मे और मे नॉट डू द सेम. जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो मे आर मे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता डू द सेम, कि उसकी तरह, ठीक है, वो सेम उसकी तरह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. बाज़ औक़ात ऐसे भी अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं जो होते अनएजुकेटेड हैं लेकिन वो लग रहे होते हैं कि एजुकेटेड है, क्योंकि उनमें भी तकरीबन एजुकेटेड जैसी ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. तो ये है मेन डिफरेंस एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल्स में.